रामनगर आबादी के पास एक अजगर ने बंदर को निगला। बंदर को अजगर द्वारा निगलने के बाद बंदरों ने मचाया आतंक, राहगीरों की भीड़ हुई इकट्ठा। सेव द स्नेक सोसाइटी ने अजगर को रेस्क्यू कर वन विभाग की मदद से जंगल में छोड़ा। बता दें कि बरसात की वजह से क्षेत्र में लगातार सांपों का निकलने की खबरें लगातार अलग अलग जगहों से देखने और सुनने को मिल रही हैं। वहीं रामनगर में भी एक मामला देखने को मिला जहां एक भूखा अजगर बंदरों के पीछे पीछे आबादी के पास पहुंच गया, जहां इस अजगर ने एक बंदर को अपना निवाला बना लिया। बता दें कि रामनगर के भवानीगंज स्थित कुष्ठ आश्रम में एक विशालकाय 13 फीट लंबा अजगर सांप घुस गया और उसने एक बंदर को दबोचते हुए उसको निगल गया। तभी वहां मौजूद अन्य बंदरों ने अपने साथी बंदर को निगलता देख शोर मचाना शुरू कर दिया। बंदरों की आवाज सुन वहां से गुजरने वाले राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और कुछ लोगों ने इसकी सूचना सेव द स्नेक सोसाइटी को दी। सूचना पाते ही सेव द स्नेक सोसाइटी की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचते हुए अजगर सांप को सुरक्षित रेस्क्यू किया। वहीं सोसाइटी के अध्यक्ष चंद्रसेन कश्यप ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि आबादी क्षेत्र में एक अजगर ने बंदर को निवाला बनाया है और उसके साथ ही बंदर उसको बचाने के लिए लोगों पर हमला करने को उतारू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूचना पर हमारे द्वारा अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया है। देखिए, आप देख रहे हैं कि आजकल जो भी कि बरसात के समय पर आए दिन सांपों का निकलना शुरू हो गया है, जिसमें कि हमारी सोसाइटी द्वारा नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से पकड़ रेस्क्यू कर वन विभाग के द्वारा जंगल में आजाद कर रहे हैं। वहीं एक अजगर की हमें सूचना मिली है कि भवानीगंज कुछ आश्रम के समीप एक अजगर ने कुछ खा रखा है बताया। जैसी हमें सूचना पाते हम लोग वहाँ, हमारी टीम गई थी और वहां जाकर के देखा तो पता चला कि उसने एक बंदर को खा दिया है। कोई बात नहीं, उसका आहार है, लेकिन बंदरों में इतना आतंक मच गया, बंदरों की इतनी शोर शराब हो गया, आते जाते राहगीरों को बंदर जो हमला करने लगे। बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी पब्लिक की, पब्लिक उसका आनंद उठाने लगी थी, लेकिन हमने सबको हटाया। हटाने के बाद उसको रेस्क्यू कराया और रेस्क्यू करने के उपरांत अब हम उसको जंगल में आजाद किया गया। हाँ, मतलब खाया बना उगले जरा फैसले बाबा का साथ।